शनिका हैप्पी टू यू लाए तुम्हारे लिए, काटना है? चलो निकालते हैं। शनिका का बार बार बर्थडे आता है, शनिका को इतना शौक है केक काटने का कि इसलिए उसको हफ्ते में एक बार केक कटवा ही दिया जाता है, वो चाहे पेस्ट्री के फॉर्म में हो या केक के फॉर्म में हो। तो इसलिए शनिका जब से सुनी थी कि उसको मनाली जाना है तो उसे पूछो कि शनिका क्यों जाना है मनाली, तो बस एक ही चीज़ कहती थी, केक काटते। तो इसलिए आज शनिका का केक कटवा दिया गया है ना। बाबू बचाओ। अच्छा हो पापा ऑफिस जाते तो मम्मी छुएंगे नहीं उनको, तो कहाँ ले चल रहे हैं घुमाने? रोड न पाने चल रहे हैं। रोड न पाने। आज आज पति बोले चलो तुम लोगों को दिखाएं कि मनाली की नाइट लाइफ कैसी होती है ना पति, मनाली की नाइट लाइफ दिखाने चल रहे हैं। सब सो जाते हैं। अच्छा माल रोड में कोई नहीं सोता है? माल रोड में बाबू कहा, अरे नेनुआ लगा है क्या? बिना जाए क्या सवेरे नेनुआ? हैं नेनुआ तो पेड़ लग रहा है हमको, पहचान तो लिए तुम। मेरे घर लगाई थी मम्मी। अच्छा देखो मैं पति देव नेनुआ का पेड़ पहचानते हैं। मैं पति देव हमको अब यही सब पहचान में आता है। और क्या क्या आता है पहचान में? लौकी पेड़, नेनुआ पेड़, बैंगन का पेड़। सेब का पेड़ पहचाने थे कि नहीं? हाँ। हम बहुत दूर से ही पहचान के बता दिए थे मम्मी लोग को कि देखिए सेब का पेड़ है मम्मी। तो मम्मी नाइट लाइफ देखना है आपको भी? चल जल्दी जल्दी यार, तो जल्दी चलोगे तो पीछे आ जाओ, एक तो बच्चा बुजुर्ग है तो लोग आएंगे ना। अच्छा और क्या? क्या तो वो लास्ट क्लिप थी बैचलर जैसी फीलिंग लेने के लिए कि मनाली की नाइट लाइफ कैसी होती है, और अब पेरेंट्स वाली नाइट लाइफ दिखा रहे हैं। श्रीनिका थोड़ा पीछे घूम जा, और बच्चों के साथ नाइट लाइफ ऐसी होती है ना श्रीनिका? ठंडी ठंडी लग रही है? नहीं लग रही है, गर्म हो बेटा तुम तो। बाबू रैबिट के पास जा रही है? ठीक है, मम्मा भी जा रही है रैबिट के पास, नानी भी जा रही है, नाना जी सोया सोया साइड आओ साइड आओ, गाड़ी आ रही है। मालिश करा दे? और इससे 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 पहले कब आए थे मसूरी? अरे मनाली आए थे ना, कैसा कुछ नहीं। कब कब? तो शाम को हम लोग आए थे माल रोड, लेकिन पापा इतना थक गए थे और पति देव भी इतना ज़्यादा थक गए थे कि ये लोग हम लोग को घूमने नहीं दिए और अच्छे से शॉपिंग नहीं करने दिए, तो इसलिए हम लोग फिर से आए हैं माल रोड घूमने और देखने की रात के टाइम में
कैसा होता है बेटे। सुनिका बलून लेने में बिजी है, शॉपिंग जैसी चीज आदमियों के साथ नहीं की जा सकती, वो औरतें ही कर सकती हैं। आदमी थक जाएंगे, हारने लगो पसंद करने लगो तो थक जाते हैं। क्या लियो हाथ में? बलून। कौन दिलाए बेटा? पापा दिलाए ना बलून। तो वो तो दी है ना तुमको। हाँ पिंक कलर का दी है, लिए है ना घर पे, रखी है टू टू रखी है। नहीं बाबू, किसको देख रही हो? किसको देख रही हो तुम? क्या कर रही है अंकल लोग? डांस कर ले, क्या करना है, चलो घर। अब तो फाइनली हम लोग मनाली की नाइट लाइफ देख करके आ गए। स्टार्टिंग हमने सोच करके की थी कि हम बैचलर की तरह नाइट लाइफ इंजॉय करके आएंगे, लेकिन फाइनली एक पेरेंट की तरह इंजॉय करके आए उसको। शनिका कंधे पे बैठ करके और गोदी में बैठ कर ही पूरी नाइट लाइफ देख करके आई है। तो इस तरीके से हम शनिका क्या हुआ बेटा, बलून फूट गया। तो इस तरीके से हम लोग मनाली की नाइट लाइफ घूम करके आ गए और बस अब जा रहे हैं सोने। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, वरना मैं आप लोग को आज रूम टूर दे देती। और सुबह उठना है क्योंकि हम लोग को जाना है स्नो देखने। तो अभी आगे बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस आने वाली हैं, तो शायद मुझे बोलना ना पड़े बार बार। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।